भागलपुर में मुहर्रम का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न हो, इसको लेकर मंगलवार को समीक्षा भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भागलपुर SSP आनंद कुमार ने की। बैठक में नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज, DDC, ADM, SDO, DSP के अलावा शांति समिति के सदस्य सभी थानेदार मौजूद रहे। SSP आनंद कुमार ने बताया कि मुहर्रम को शांति व सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि इस बार मुहर्रम के लिए सभी जगहों से निकाले जाने वाले झांकियों के लिए रजिस्ट्रेशन रसीद भी जारी कर दिए हैं। उसके साथ पुलिस प्रशासन भी हर जगह मुस्तैद रहेंगे और पूरे शहर के मुहर्रम झांकियों को इस बार पुलिस जवानों के अलावा CCTV कैमरे से भी निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना घटित ना हो सके। वहीं नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि पिछले दिनों दुर्गा पूजा के समय नौगछिया क्षेत्र में दो समुदाय में छिटपुट आपसी झड़प हुई थी। उम्मीद है इस बार ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों से सहयोग करने की अपील भी पुलिस द्वारा की गई है। मुहर्रम में जितने भी हम लोग की जो आशंका है उनके खिलाफ और लगभग 40% लोगों को ऑलरेडी काउंट डाउन किया जा चुका है, और इसके साथ साथ जितने रूट जितने जुलूस निकले सभी को लाइसेंस लेकर खोला जा रहा है। ये पूर्व जो घटना घटी है उससे सबक लेते हुए सारी मुकम्मल व्यवस्थाएँ की गई है। पुलिस कमेटी मीटिंग किया गया है, काउंटडाउन का संख्या में करवाया गया है और स्पष्ट कह भी दिया गया है आप कुछ भी गड़बड़ी कीजिएगा तो प्राथमिकी दर्ज करेंगे, जेल भी भेजेंगे। लोगों ने आश्वस्त किया है ऐसी कोई घटना नहीं होगी। तो भी प्रशासन कुछ मुकम्मल व्यवस्था की गई है, DJ भी बिल्कुल बैन है, कोई DJ नहीं होगा। हर जुलूस के साथ दोनों पक्ष के उन्होंने निर्देश दिया कि हर जुलूस के साथ दोनों पक्ष से कम 5-5 लोग रहेंगे। भागलपुर नगर निगम में मंगलवार को तीसरा जनता दरबार लगाया गया। जनता दरबार में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डिप्टी मेयर डॉक्टर सलादीन अहसन के अलावा सभी वार्ड के पार्षद और नगर निगम के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे। वहीं शहर के वार्डों से दर्जनों लोग अपनी समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जिसमें ज़्यादातर समस्याएं अतिक्रमण से जुड़ी हुई थी। जनता दरबार को लेकर मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि आज के जनता दरबार में जितने भी लोग शिकायत लेकर आए हैं उनमें ज़्यादातर अतिक्रमण से संबंधित आवेदन थे। इसके अलावा जल निकासी नाले और आवास से संबंधित समस्या लेकर लोग पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सभी समस्या का निदान किया जा रहा है। मेयर ने शहरवासियों से अपील की है कि वह अपनी समस्या को लेकर निगम कार्यालय आए, जिसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। आज हम लोगों का ये तीसरा जनता दरबार था और सब तरह की समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं, उसमें से अधिकतर समस्याएं अतिक्रमण से संबंधित आया और हमने अतिक्रमण शाखा प्रभारी को भी यहाँ पर रखा था, तो वो भी अपनी समस्या को सुने और बोले कि मैं तुरंत उस पर कार्रवाई करूँगा। जलकल संबंधित था तो उस पर भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चा हुई, उनका भी काम होगा। रोड नाला संबंधित था तो उस पर भी काम हो रहा है, उनको भी आश्वासन दिया गया कि हाँ आपका काम होगा। 19 समस्याएं कुल आई हैं इस बार जनता दरबार में, और मैं सारे जितनी भी समस्याएं, कुछ पेंशन संबंधित था, कुछ आवास योजना संबंधित था, तो सारी समस्याओं का निदान मैं चाहती हूँ कि जितना जल्द से जल्द हो। और मैं जो जनता है उनसे मोबाइल नंबर ले ली हूँ, जो भी समस्या का समाधान निकलेगा मैं उनको खुद अपने से फ़ोन करके बताऊंगी। हूँ, मेरा अपना यहाँ घर है तिलका माझी। तिलका माझी में मेरे घर के पूर्व में अवैध कब्जा कर रात दिन गांजा शराब दारू सब चीज़ वहाँ होता है। मंदिर परिसर है मेरे घर के बगल में सटा हुआ। बहुत रिक्वेस्ट किए यहाँ कमिश्नर को दिए, मेयर को दिए, कुछ काम अभी तक एक आदित्य जायसवाल को बोले हैं कमिश्नर साहब के उनको दीजिए, उनसे 4 महीना घूमे, अभी एक तो आदेश दिए हैं ये जो है क्या नाम है शंकराचार्य अतिक्रमण प्रभारी वही हटाएंगे। वो 4 बार बेचारा गए, खाली हाथ जाने से फायदा नहीं है, वहाँ मारपीट होगा ना, तो गए। अभी बोले हैं हमको JCB अगर
उपाय कर दिया जाए, वो नहीं कर रहे हैं, फरवारी कर देंगे तो हम आपका। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाईपास टीओपी के समीप मंगलवार की सुबह प्राकृतिक नर्सरी रेलवे लाइन के पास अज्ञात महिला का शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना बाईपास टीओपी पुलिस को दी। वहीं सूचना मिलते ही बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि महिला की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मृतक महिला की उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है। बाईपास टीओपी थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, अब तक सबकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, सबकी पहचान होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अपराधी बेखौफ होकर हत्या जैसी संगीन घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है। दिन दहाड़े हो रही हत्या की घटना से लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। सोमवार की देर शाम नौगछिया के हरनाथचक गांव में टावर के पास अपराधियों ने प्रॉपर्टी डीलर पप्पू यादव को गोलियों से भून डाला। अपराधी इतने बेखौफ थे कि जमीन कारोबारी पप्पू यादव को दौड़ा कर गोलियों से छलनी कर दिया। मृतक की कनपट्टी और सीने में 6 गोलियां उतार दी, जिसमें घटनास्थल पर ही प्रॉपर्टी डीलर की मौत हो गई। वहीं घटना में जमीन कारोबारी का सहयोगी भी घायल हो गया है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अपराधियों को खदेड़कर पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सभी एनएच की ओर भागने में सफल हो गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही नवगछिया एसडीपीओ दिलीप कुमार सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। पुलिस घटना के पीछे पुरानी रंजिश की बात कह रही है। मृतक के भाई कन्हैया यादव ने बताया कि राजकिशोर सिंह ने पप्पू यादव को फोन कर महेश्वर सिंह के मिल के पास बुलाया था। मिल के समीप पप्पू यादव जब अपने सहयोगी हेम नारायण सिंह के साथ बात कर रहा था, तभी तीन अपराधियों ने उस पर अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही पप्पू यादव जान बचाने के लिए भागने लगे, तो अपराधियों ने खदेड़ कर उसके सीने और कनपट्टी में गोली मार दी, जिसके बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। वहीं पुलिस ने जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लेने का परिजनों को आश्वासन दिया है। हम आपको बता दें कि मृतक पप्पू यादव का भी आपराधिक इतिहास रहा है। मृतक महेंद्र यादव हत्याकांड में पप्पू यादव नामजद अभियुक्त था, वो तो फिलहाल जेल पर जमानत से बाहर आया था। घटना लमसम 8 बजे के कहाँ घटना भेल छे? घटना वाला जे मैं मिल छे ना, मैं सर सिंह द्वारे कागुम आगुम वहाँ की भले बैठलो रहे कि कुछ हो रहे? हाँ बैठले रहे। अच्छा, वही माँ अभी गोली चलाई दल का है? अब यहाँ पे ना रहे, यहाँ घर आए, मेरा घर आजकल कई बोले कई फोन करे राजकिशोर सिंह ने बोले के बीच में अंजाम में उन्हें घटना हो गई। हाँ, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि जमीन का कारोबार करते थे और परिजन के द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ पूर्व दुश्मनी भी है, तो आशंका है इनको कि पूर्व दुश्मनी की वजह से इनकी हत्या की गई है। जमीन के मामले में नहीं पता चल रहा है कि कोई ऐसा विवाद हो जिससे इनकी हत्या हो सकती है, तो लेकिन हम लोग सभी बिंदुओं पर अभी देखते हैं, जांच करते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़े। प्रॉपर सर कौन था जो मरा? सर क्या क्या नाम है जो मरे हैं? उनका नाम सुबोध यादव है और इनके साथ एक व्यक्ति और घायल है। घायल का नाम अभी चूँकि परिजन सब रो रहे हैं तो पता करके ही बता पाएंगे आप उनका नाम क्या है, लेकिन जमीन का काम करते थे, जमीन से ऐसा कोई विवाद नहीं है। भागलपुर के सुल्तानगंज से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां 3 बच्चे की मां को इसका ऐसा बुखार चढ़ा कि अपने पति और बच्चे को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के भीरखुर्द पंचायत वार्ड संख्या 3 का है। घटना को लेकर फरार महिला के पति दिलीप कुमार रंजन ने बताया कि वर्ष 2009 में खड़िया पिपरा गाँव निवासी स्वर्गीय अर्जुन मंडल की पुत्री कविता कुमारी से हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। शादी के बाद महिला ने 3 बच्चे को जन्म दिया। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 11 वर्ष है, जबकि दूसरा 8 वर्ष और तीसरा 4 वर्ष का है। दिलीप रंजन ने बताया कि कविता शादी के बाद से ही फोन पर अपने प्रेमी के साथ घंटों बातचीत करती थी। कई बार मना किया गया लेकिन वह नहीं मानी, जिसके कारण घरेलू विवाद
होने लगा। उन्होंने बताया कि 2 वर्ष पूर्व ही पत्नी घर छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसके बाद किसी तरह समझा बुझाकर वापस घर लाया गया। उस दौरान कविता ने घरेलू हिंसा को लेकर केस भी दर्ज कराया, लेकिन पुलिस के द्वारा समझा बुझाकर कविता को वापस घर भेज दिया गया था। आज फिर कविता अपने 3 बच्चों को छोड़कर प्रेमी के संग फरार हो गई। फिलहाल पति ने सुल्तानगंज थाना में पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। यह हुआ कि मतलब जो कि हमको जानकारी हुआ दूसरे लड़के से बात करते हुए मना करते हुए। कब शादी हुई थी आपकी? 2009 में। कहाँ हुई थी? खड़िया पिपरा जो कहते हैं। उनकी बेटी है? अर्जुन मंडल स्वर्गीय और अर्जुन मंडल। उनकी कौन है? पुत्री है। क्या नाम है? कविता देवी। तो 19 से हुआ था? हाँ। क्या शादी हुआ था? हिंदू रीति रिवाज से हुआ था शादी। हुई थी? शादी हुई थी। उसके बाद? हाँ, 3 बच्चा है। क्या क्या नाम है? अभिषेक कुमार, आकांक्षा कुमारी, ओम कुमार। जी जी। के साथ का बच्चे हैं आपके? एक 12 साल का है, एक 8 साल का है, एक 4 साल का है। तो अब आपकी पत्नी कहाँ है? अब कहाँ है ना है, हमको पता नहीं है। कितने दिन से छोड़ के है? 3 साल से। ने बच्चे को छोड़ के? हाँ। किसको छोड़ के? बच्चे को छोड़ के 2 साल से, मतलब जो है कि वो फरार है। भागलपुर के जगदीशपुर स्वास्थ्य केंद्र में आशा संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर तले आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटर ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान जगदीशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ताला लगाकर स्वास्थ्य सेवा को पूरी तरह से बाधित कर दिया। सबसे पहले सुबह 9 बजे अस्पताल खुलते ही ओपीडी सेवा को बंद करा दिया गया। इसके साथ ही सामुदायिक केंद्र के मुख्य द्वार पर बैनर पोस्टर लगाकर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गई। इस दौरान आशा कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सामुदायिक केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी ब्रिजभूषण मंडल ने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य सेवा को बाधित करने के साथ ही इमरजेंसी सेवा को भी बाधित कर दिया, जिसके कारण मरीज को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा ठप करने के बाद वैक्सीन वितरण गाड़ी को भी आशा कार्यकर्ताओं ने अपने नियंत्रण में ले लिया। प्रदर्शन के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि 1000 में दम नहीं, 10000 से कम नहीं, आशा कार्यकर्ताओं का शोषण बंद करो आदि के नारे भी लगाए। हड़ताल को हड़ताली लोग 10 बजे के आसपास शुरू किया, 9 बजे करीब हमारा जो वैक्सीन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जाना था गाड़ी 8 बजे, उसको जाने में थोड़ा प्रोटेस्ट कर दिया, नहीं जाने दिया। कुछ आशा लोग आकर तो उसको रोक दिया, गाड़ी पर बैठ गया, नहीं चलाने दिया। उसके बाद 8 बजे 9 बजे से OPD बंद करवाया। OPD बंद होने के बाद गेट में ताला मार दिया और दोनों तरफ ताला मार करके गेट पर बैनर पोस्टर लगा करके उसको बंद कर दिया। OPD बाधित रहा कंप्लीट। भागलपुर में कोसी नदी कहर बरपा रही है। कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। आलम यह है कि लोग अब खुद से अपना आसियाना उजाड़ने लगे हैं। नवगछिया अनुमंडल के खरीक प्रखंड अंतर्गत मैरचा गांव की तरफ कोसी की धारा मुड़ गई है, जिससे कटाव तेज हो गया है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने कटाव रोधी कार्य शुरू कराया है। युद्ध स्तर पर कटाव रोधी कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन जलस्तर बढ़ते देख ग्रामीण काफी परेशान हैं। जिस रफ्तार में जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, इससे कटाव रुकने की संभावना नहीं है। ऐसे में कोसी किनारे बसे घरों को लोग अब तोड़ने लगे हैं और ईंट बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मैरचा गांव के किशोर कुमार ने कहा कि वो मजदूरी करके अपना घर बनाया था और घर के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तरफ से भी राशि मुहैया कराई गई थी। इसके बाद खुद भी 5 लाख इकट्ठा कर वर्ष 2017 में घर बनाया था। किशोर ने बताया कि वो पंजाब तो कभी दिल्ली में नौकरी करता है, पाई पाई जोड़कर घर बनाया था, लेकिन अब घर तोड़ने लगे हैं। डर है कि अगर कोसी में घर समाया तो ईंट भी नहीं बचा पाएंगे। मैरचा में पिछले वर्ष भी कोसी ने कहर बरपाया था, जिसको देखते हुए दर्जनों लोगों ने खुद से अपने घर तोड़कर ईंट बचाया था। कई घर अब भी कोसी नदी के मुहाने पर हैं। वहीं ग्रामीण सरकार से मदद की आस में हैं, ताकि सरकार उन्हें कहीं जमीन देकर शरण दे दे। गांव से कई परिवार पलायन कर रिंग बांध पर जाकर शरण ले चुके हैं। हम आपको बता दें कि कोसी नदी प्रत्येक वर्ष रौद्र रूप धारण करती है, जिसमें ग्रामीणों का सब कुछ खत्म हो जाता है। कटा हो रहा है घर द्वार,
अभी की करी रहे? हाँ अभी तो ईटा तो जमा करी रहे छे ना, टूटी गेले घर तो आप की करबे ने रे बा। ईटा ले की करबो आप जब घरे गिरी गेले तो? ईटा ले के जहां जेबे तहां ज ले लेबे। ईटा कम से कम बचबे के मिले। हाँ तो कहिया से कटा होय रहल छे? कर बात आते सरस रहल छे। भागलपुर सुल्तानगंज के भीरपुर पंचायत में हो रहे हाई स्कूल निर्माण में ठेकेदार के द्वारा काफी अनियमितता बरती जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने ठेकेदार पर घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए स्थानीय अधिकारी और विधायक से शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार बबलू कुमार ने दलदली जमीन पर ढलाई कर स्कूल भवन का निर्माण करा रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी समस्या से पदाधिकारी व विधायक को अवगत करा चुके हैं, लेकिन ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों को इस बात का डर है कि अगर ऐसी लापरवाही के साथ बिल्डिंग बनी तो किसी स्कूली बच्चे की जान भी जा सकती है। ग्रामीणों ने जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखते हुए स्कूल भवन का निर्माण कराए जाने की मांग की है। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बिल्डिंग नहीं, स्कूल बना रहा है। प्लस टू तो क्या दिक्कत होगा इसमें अगर बनेगा? तो दिक्कत यही होगा कि अभी दलदली में लिया क्या है, उसके वजह से आगे जो हो सकता है तो धस भी सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। दो तीन बार ने की मशा जी भी इसको ब्रेक भी किए, मना किया, बोला कि बस को लेकर ही उसके बाद। लेकिन तब पर भी काम कर रहा है? हाँ तो फिर काम ही कर रहा है। ये कल बोलता है तबीयत खराब हो रहा था, वो बोलता है कि ठेकेदारे ना है, तो फिर भी यहाँ सोना में काम कर रहा था। फोन किए सूचना दिए साफ सुथरा सबको। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार पुलिस प्रशासन को कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए खुले तौर पर छूट दी है। हालांकि आम लोग इसके सेवन से दूर रहे और इसको लेकर आम लोगों से जुड़ने के लिए भी पुलिस को निर्देशित किया गया है। राज्य में शराब की खेप ना आए इसके लिए आबकारी विभाग की टीम को बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन भागलपुर पुलिस पर आरोप है कि कारोबारियों को पकड़ने के बजाय पुलिस मजलूमों पर दबंगई दिखाती है। मामला अकबरनगर और सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के बीच महेशी तिलकपुर इलाके का है, जहां पुलिस का गुस्सा एक गरीब दिव्यांग चाय दुकानदार पर फूट गया। दरअसल उत्पाद विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि तिलकपुर महेशी इलाके में चाय दुकान पर शराब कारोबारियों का जमावड़ा लगा रहता है, और जब टीम छापेमारी करने के लिए गई तो उन्होंने पूछताछ के सिलसिले में 55 वर्षीय वृद्ध चाय वाले अरविंद मंडल की पिटाई कर दी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल को आनन फानन में सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर घायल की बेटी काजल देवी ने बताया कि पुलिस शराब कारोबारियों की तलाश में उनके पिता के दुकान पर आई थी और उनका पता पूछा। अरविंद मंडल ने बताया कि इस मामले की उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जबकि पुलिस वाले ने उनकी एक नहीं सुनी और बेरहमी से पिटाई कर घायल कर दिया। बेटी का कहना है कि उनके पिता पैर से दिव्यांग हैं, लेकिन पुलिस को जरा भी रहम नहीं आया। हालांकि बाद में पुलिस कर्मियों ने एम्बुलेंस बुलाकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। दुकान पे बैठे थे पापा, समझे? पुलिस आए और पूछे मत, पूछने की भाड़ी नहीं की कौन बाहर वाला आदमी है जो दारू पीता है। जब देखे और कौन बेचता है हमको सब बताइए, नहीं बताए ना उसको डंगा दिए। कौन डंगाया? पुलिस ने डंगाया जो रहता है चौकीदारी करते हैं। किसको डंगाया? पापा जी को। क्या नाम है? अरविंद मंडल। कहाँ का रहने वाला? इसी का, मैं इसी तिलकपुर का। वो पुलिस डंगाया? हाँ पुलिस डंगा के चल दिए, पकड़ाते तब ना पकड़ाए ना चल दिए। हम लोग घर में अंदर में रहते हैं, इसको में तबियत पहले से खराब था और ऊपर से डंगा के चल दिए। तो क्या हुआ अभी? विकलांग आदमी है, चोट लगल है, सगर पीट डंगा के चल नोटिस मारा है। हाँ घायल है, घायल है, घायल है, इधर फूल गया है हमारा, घायल है। हाँ